ये बड़ा तारीखी जलसा है, सेमिनार है। तारीखी इसलिए कि हम तामीर व तरक्की की बात कर रहे हैं। तामीर व तरक्की किसकी तामीर व तरक्की? तामीर व तरक्की उस सरजमीन की जिस सरजमीन पे आपने बहुत ही रोशन तारीख के बाब लिखे। लेकिन मामला ये है कि मैं ज़रा पीछे की तरफ हट के बात करना चाहता हूँ कि ज़रूरत क्या पेश आई कि हमें ख़ुद अपने मुल्क की तामीर व तरक्की में अपने किरदार को साबित करने के लिए इस तरह के महाफिल का इनेकाद करना पड़ रहा है। ये बड़ा अजीब मामला है, और अजीब इसलिए कि हमेशा हमने तारीख को सिर्फ एक नज़र से देखा है हमेशा, लेकिन तारीख को अगर हमने मुख्तलिफ नज़रों से देखा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। एक मादी सच्चाई बताता हूँ आपको कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको सामने से देख रहा हूँ, आप मुझे सामने से देख रहे हैं, यही एक सच्चाई जो जाहिर है। लेकिन इसके अलावा पांच सच्चाइयाँ और हैं जो कुछ कम जाहिर हैं और कुछ बिल्कुल जाहिर नहीं हैं। वो पांच सच्चाइयाँ एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, एक दाएँ की तरफ है, एक बाएँ की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। कोई भी सच्चाई की छः जहते हैं और अक्सर हमने सच्चाई की एक जहत को देखा है। अब आपको एक मिसाल छोटी सी देना चाहता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो का भी जिक्र आया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का भी जिक्र आया, आता ही रहेगा, आना ही चाहिए। लेकिन आपको मालूम हो है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द रशीद हज़रत अमीर खुसरो दहलवी, उन्होंने तारीख में इख्तलाफ है कि 7 बादशाहों का दौर देखा, कुछ लोग मुबालगे में 13 बादशाहों का दौर कह देते हैं, तो 9 बादशाह, 7 या 9 बादशाहों का दौर देखा। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया क्या किसी बादशाह के दरबार में गए? ये कैसी सच्चाई, कभी हमने गौर किया नहीं। अभी आपने बहुत अच्छे मौजू पे संजीदा महफिल में वो मकाला पढ़ने की ज़रूरत थी, ज़फ़र साहब ने जो पढ़ा है बहुत बेहतर और इल्मी मकाला था। दुनिया में इस्लामी सल्तनत के क़याम के ठीक 60 साल के बाद हक और बातिल की ऐसी जंग होती है कि जिसे यकीन करना मुश्किल है। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में पहली इस्लामी सल्तनत की बुनियाद पड़ती है और मिसाक मदीना का हवाला भी दिया गया। कितना अरसा गुजरा, मैदान करबला की जंग होती है 61 हिजरी में। कभी गौर करना पड़ेगा कि तारीख ने ऐसी तल्ख सच्चाइयाँ दिखाई हैं, ऐसी कर्बनाकियाँ रही हैं, ऐसी सच्चाइयाँ रही हैं, लेकिन तारीख की उन कर्बनाकियों और सच्चाइयों को हर शख्स अपने एतबार से उसे कबूल करता है, अपने एतबार से उसको बयान करता है। सच तो ये है, तल्ख बात कहूँगा कि हम वो लोग जो हज़रत इमाम हुसैन के मुतअक्किदीन हैं, हमने भी तारीख की उन सच्चाइयों को सिर्फ एक नज़र से देखा है और एक ही नज़र कि हम उन्हें शहीद मानते हैं। लेकिन वजूहात क्या थी कि उसका और आने वाले दिनों में उस सत्यवाद किया जाए, कम लोगों ने इस पर गौर किया। और गौर किया तो एक दूसरा बड़ा इनकलाब आ गया। 61 हिजरी से पहले सूफियाना तहरीक की इब्तदा नहीं, 61 हिजरी के बाद हिजरत का सिलसिला होता है और अरब से अजम की तरफ ये तमाम चीज़ें आती हैं और पूरा सेंट्रल एशिया जो है, क्या वजह है कि अचानक सूफिया कराम की आमाजगा बन जाती है? बड़े बड़े सूफिया कराम वहाँ पहुँचे गए, बल्ख, बुखारा और वहाँ से लेकर के पूरा का पूरा बड़े बड़े सिलसिले आप देखिए वहाँ से शुरू होंगे। इन वजूहात पर गौर करना पड़ेगा। वो तो खालिस इस्लामी तारीख है। हिंदुस्तान, कहा जाता है कि तरक्की के लिए दुनिया में एक रोड को याद किया जाता है ना, तरक्की कहते हैं कि दुनिया की तरक्की का एक बड़ा इशारिया कौन सा था? वो सिल्क रूट था, जिसे हम शाहराहे रेशम कहते हैं। लेकिन शाहराहे रेशम को हमने याद किया, लेकिन बंगाल से लाहौर तक जीटी रोड बनाने वाले को क्यों हुआ? क्या ये तामीर हिंदुस्तान की तामीर का इशारिया नहीं था? था, है और रहेगा। लेकिन तारीख सुनने वाले, तारीख बयान करने वाले, तारीख पढ़ने वाले, तारीख पढ़ाने वाले सच्चाई के एक रुख को सामने रख के चल रहे हैं। अगर सच्चाई की तमाम जहतों को सामने रख के चलें तो यकीनन हमारी दानिश, हमारी बेनिश, हमारा शऊर कुछ और हमसे मुतालबा करेगा, कुछ और तकाजा।
इस हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में मैंने तो सिर्फ एक मिसाल दी कि ऐसी शाहरा बनाई जो सिल्क रूट के ममासिल थी। दुनिया की तारीख में देखिए इतनी बड़ी शाहरा नहीं बनी। मैं किसी का नाम ले लूँगा, सबको मालूम है, मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने इस्लामी हुकूमत के दौरान तो तालीम का हज़ार साल हुकूमत का जिक्र करते हैं फ़ख्र से कि मुसलमानों की बादशाहत रही, मुसलमान बादशाह रहे, इस्लामी हुकूमत नहीं, याद रखिए एक बात। दूसरी बात, अगर इतने ही बड़े वो कौम के हमदर्द होते तो हज़ार साल में किस बादशाह ने तालीम का बड़ा निज़ाम दिया हो, कोई बादशाह का नाम उठा बता दें। अगर हज़ार सालों में इन्होंने तालीम का निज़ाम दिया होता तो आज हमारी कौम का ये हाल नहीं होता। ये भला करे उलमाए कराम का अल्लाह, और भला करे अल्लाह सूफियाए कराम का कि जिन्होंने पैरेलल हुकूमत चलाई बग़ैर बताए हुए कि हम बादशाह हैं, बग़ैर बताए हुए कि हम मर्जे खलाइक हैं। अब ये देखिए कि बादशाह दिल्ली में यहीं मैरोली में बैठता है, वो तीन चार बादशाहों का सिलसिला है, पूरा सल्तनत पीरियड अहद उस्ता उठा के देख लीजिए, और एक बादशाह निज़ामुद्दीन औलिया यहाँ बैठते हैं। मर्जे खलाइक ये हैं, मर्जे खलाइक वो नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैरेलल मुसावी हुकूमत चलती है, एक तो शाही निज़ाम है और एक वो सूफियाना निज़ाम जिसने इल्म का और अखलाक का, तरबियत का, इंसानियत का, रूहानियत का, ईमान का, वहदानियत का, रसालत का सबक हमें पढ़ा। लेकिन एक बात और मैं आपसे कि इन तमाम मुसलमान की हुकूमत बहुत सारे ऐसे काम, आज हिंदुस्तान को जिस बात पर पूरी दुनिया में फख्र है वो क्या है, ज़रा आप बताएं, इसके सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि वो कसरत में वहदत का जो तस्वूर है, इसी पर तो हिंदुस्तान को नाज है। और यकीनन हम इसे हिंदुस्तानी होने के नाते फख्र करते हैं, लेकिन ज़रा इसकी तारीख पर कभी हमने गुफ्तगू की है कि ये कसरत में वहदत का तस्वूर कहाँ से आया? ये कसरत में वहदत का तस्वूर ये उलमा और सूफिया ने, सल्तनत पीरियड ने नहीं दिया, खिलजी ने नहीं दिया, सिकंदर लोधी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। ये तस्वूर अगर किसी ने दिया मुश्तरका तहजीब का, लेकिन उससे पहले मुश्तरका हिंदुस्तान भी तो बनना था, तो ये मुश्तरका हिंदुस्तान, मुश्तरका तहजीब, ये तस्वूरात कहाँ से आए? लेकिन मुझे अफसोस के साथ, मैं मातम पढ़ने का आदि कभी नहीं रहा, लेकिन ज़रूर मैं ये बताना चाहता हूँ बग़ैर किसी वजाहत के, बग़ैर किसी ज़रात के, कि हमारे मदारिस की तरफ से बड़ी कोताही कि हमने तारीख पढ़ाई ही नहीं। दुनियावी तारीख तो छोड़िए, मैंने अभी कहा कि क्या वजह थी कि मिसाख़े मदीना के ठीक 60 साल के बाद इतनी बड़ी जंग हो जाती है कि नवासा रसूल को नारे तकबीर कहकर के शहीद किया जा रहा है, क्या वजूहत रही हुई? हम उन तारीख के हवालों को मदारिस में पढ़ाना चाहा ही नहीं, गैर ज़रूरी मंतिक को फ़लसफ़ा को पढ़ाते रहे। आज के दौर में माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन सच्चाइयाँ तल्ख होती हैं, सच्चाई कहने वाले अक्सर घबराते हैं, लेकिन आज वक्त का तकाजा है कि जिस मुल्क की तामीर व तरक्की में हर एतबार से हमने साथ दिया है, उस मुल्क की तामीर व तरक्की में सिर्फ कसीदा खानी से काम नहीं चलेगा, बल्कि आगे बढ़ कर के, मैं मातम का जिक्र नहीं कर रहा, मातम तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, मातम से मुराद ये है कि मायूसी का शिकार मुसलमानों को नहीं होना चाहिए, है ना? तो मैं कसीदा खानी का भी मुखालिफ हूँ कि हमने ये किया, पैदरम सुल्तानपुर हुआ करे, आपके बाबा तो आपके बाप दादा बड़े बादशाह थे, आप क्या हैं ये तो देखा जाएगा। तो आज जमहूरी निज़ाम में हम हैं, शहनशाही निज़ाम में नहीं हैं। जितने वाक़यात, जितने तारीखें आप लिख रहे हैं वो सब शाही निज़ाम की तारीखें थी, और जब आपने पैरेलल हुकूमत चलाई थी, आज जमहूरी हुकूमत में आप कौन सी हुकूमत चला, आप पैरेलल अमल कौन सा कर रहे हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है इस पर अगर गौर कर लिया जाए तो मुझे ये मालूम हो जाएगा कि वक्त का तकाजा मुझसे क्या चाहता है, वक्त का मुतालबा मुझसे क्या है। वक्त का मुतालबा ये है कि पहले जमहूरी निज़ाम को समझें, और जमहूरी निज़ाम में सिर्फ एक बात को अगर आप समझ लें कि अगर आप साहिब वक़्त हैं तो आपकी हैसियत है, अगर आप बेवक़्त हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला। तो जमहूरी निज़ाम में वही जो फारहान की चोटी पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नारा दिया था कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, उस तारीख को दोहराइए ना, कोई कहाँ दूसरी जगह जा रहे हैं आप, अपने मन में डूब कर पा जाओ सुराग ज़िंदगी, कहीं नहीं जाना। उन्होंने कहा पहले मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, बताओ कौन हूँ। अब आपको साबित करना होगा कि आप कौन हैं, आपको बावक़्त बनना पड़ेगा, और बावक़्त बनने के लिए आपको हर फील्ड में काम करना पड़ेगा, चाहे वो इल्म का मैदान हो, चाहे वो कारीगरी का मैदान हो, चाहे हुनर का मैदान हो, चाहे फ़न का मैदान हो,
कोई भी फील्ड आपको नहीं छोड़ना है, साहिब वक्त बनना है, साहिब हैसियत और शरबत की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने अपनी वक्त साबित कर दी तो इस जमहूरी निज़ाम में आप बावकार तरह से जीने के मुस्तहक हैं, वगरना नहीं। तो हमें गौर करना है कि इस जमहूरी निज़ाम में हम बेवक़्त कैसे हो। जिसने तारीख लिखी आज उसकी तारीख भुलाई क्यों जा रही है? इन सवालिया निशान पे यकीनन उलमा मशाइख बोर्ड ने जो आज इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, ये एक बड़ा ऐलानिया है, एक बड़ा झिझोड़ने वाला कदम है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के सेमिनार और सिम्पोजियम संजीदगी के माहौल में हों, ताकि उलमा और मशाइख और हमारे कौम के दानिश्वर बैठ करके गौर कर सकें कि उस तारीख का सिलसिला कैसे आगे रवा दवा रह सकता है। और कुदरत के इस निज़ाम पर भी आपको ज़रा सोचना पड़ेगा कि ये कुदरत का निज़ाम हमेशा नशेब व फराज का है। उस नशेब व फराज से गुजरते वक्त जो हमें बताया गया है कि ला तुकनतु मिन रहमतिल्लाह, उसको भी सामने रखना पड़ेगा और बहुत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे प्रोफेसर अख्तर हुसैन साहब ने जो बात कही, मैं चाहता हूँ कि यकीनन मुसद्दस हाली को और शिकवा जवाब शिकवा को अगर पढ़ लिया जाए तो पूरी तारीख की उम्मत के उलट फेर को आप समझ सकते हैं, और उस उलट फेर से बचने का तरीका भी उसी में मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़्ल सलीम अता फरमाए और वक्त के तकाज़े और मुतालबे को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।